टूरिस्ट के लिए जिसका होता है गुड मॉर्निंग फ्रॉम जैसलमेर। हम लोग अभी सो के उठे हैं, हम ही उठे हैं खाली, बाकी सब सो रहे हैं। अभी थोड़ा थोड़ा जुकाम भी हो गया है, सर्दी रात में इतनी पड़ती कुछ कहने की नहीं। दिन में जितनी गर्मी पड़ती है उससे कहीं ज़्यादा रात में सर्दी पड़ती है। थोड़ा सा जुकाम फील हो रहा है, मिलते हैं नहा धो के। हम लोग नहा धो के बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल जाने के लिए। एंड हम लोगों ने ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर दिया है। ब्रेकफास्ट में हम लोगों के साथ ये हॉट चॉकलेट है, बनाना शेक, जूस, टोस्ट, पराठे, गोभी के, एंड अभी और भी कुछ आना है। हम लोग खा पी के अभी निकल जाएंगे। टाइम हो रहा है 10 समथिंग होने वाला है। एंड ऊपर से हम लोग बैठ के यहाँ पर जब खा रहे हैं, वहाँ पर देखो वहाँ से व्यू, दिन का व्यू है ये। खा के निकलते हैं फिर। सो फाइनली हम लोग रेडी हैं जाने के लिए। बाइक बहुत गंदी हो गई थी, ये देख सकते हो। ये शायद कैसे किसी चिड़िया ने, कौवा ने बहुत सारी पोटीज की थी उस तीनों बाइक में। साफ आप करके निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से। पहले जाएंगे तनोट माता के मंदिर, उसके बाद जाएंगे ड्यून्स में। एक पैकेज भी लिया है ड्यून्स में, शाम का खाना आना वगैरह सब वहीं होगा। टैंक भी फुल कराने हैं, टैंक भी अभी खाली हो रहे हैं। एंड आज उन्होंने कोई भी ग्लव्स पहने हैं खाली, कोई भी गियर्स नहीं पहने हैं क्योंकि थोड़ी पास ही में जाना है। एंड नहीं पहने कि गर्मी भी होती है, नहीं जैकेट में बहुत अनकम्फर्टेबल फील भी होता है। वी ट्राइंग दिस कि आज ना पहनते हैं, फुल ऑन स्वैग के साथ। यो हो गया। अच्छा, तो आज बहुत सारी एक्टिविटी करनी है। उन्होंने कैमल राइड भी लिया है, पतली पतली गलियों में से बाइक को निकालते हुए। एंड ये आ गया मेन फोर्ट के अंदर का मेन बाजार, मेन कुछ भी मान लो, सारा क्राउड ही इकट्ठा होता है। आपको यहाँ पर गाइड भी मिल जाते हैं, 100 रुपये पर गाइड लगेगा। कोई भी आओ तो गाइड ले सकते हो, वो पूरा घुमाएगा जैसलमेर। यार पता नहीं भैया पूरा किला के साथ है, 100 रुपये मतलब कुछ ज़्यादा है भी नहीं, आप खुद घूम सकते हो। पर गाइड चाहिए तो ले लो, लेना चाहो ले लो, 100 रुपये तो हैं बस। टैंक फुल कर दो, डन। ये देखो सामने सुजॉन कंपनी का कुछ है, ये सुजॉन कंपनी की सारी जेम पे मिल लगी हुई है। क्या बड़े बड़े मिल लगा रखे भाई, ये लगा डट घर है भाई, क्या घर बने भाई, कितनी अच्छी डिजाइन है घर में, क्या बात है यार। मतलब ये तो तरह ये चीज एक्सेप्ट करते होंगे कि हाँ ये घर हम बनवा रहे तो इतना कॉस्टली बनता है, कुछ कहेंगे, बट यहाँ पर तो ये एकदम नॉर्मल बात है। ऐसा कोई घर नहीं जहाँ पर डिजाइन ना बनी हो पत्थर पे, क्या बात है भाई। और हर कोने में पत्थर डले होते हैं, हर कोने में देखो ये कितने पत्थर डले हुए हैं। घर कुछ बन रहा है अभी, है गिर गया तो बल नहीं रहा, बोल्ड गिर गया यार। तो वहां पर क्या था तुमने जब मुझे चेक किया था, वहां पर जो वहां पर तुमने नहीं चेक किया था जैसलमेर में ही तो पैट किया था ना, क्या हुआ? अरे ये वाला बोल्ड गिर गया। अभी कुछ एक काम करो यार, फाइनली अभी एक देसी जुगाड़ कर लिया। देसी जुगाड़ बन कुछ नहीं, बोल्ट तो था नहीं
जहाँ पर वो उसका स्क्रू पीछे से जो बोल्ट का होता है वो गिर गया था गियर वाला, तो उसकी जगह हम लोगों ने जो पानी की बोतल होती है उसके ऊपर कैप होता है उसको बीच में छेद करके छोटा सा उसको उस नट की जगह वो डाल दिया है, जिससे कि अब वो गियर जो है वो इधर उधर नहीं होगा। थोड़ी देर काम चलता रहेगा, उसके बाद फिर आगे कहीं दुकान वकान मिलेगी, यहाँ तो कुछ नहीं मिलने वाला है, अगर मिलता है तो करवा लेंगे, नहीं मिलेगा तो वापस जैसलमेर करवाएंगे। देखते क्या होता। चलो अभी लोग अपने अपनी बाइक में अपनी अपनी बाइक में ऑयल चेक कर रहे हैं, क्योंकि एनएस वाले भैया को लग रहा है कि इनकी ऑयल चेक ऑयल कम है इनकी बाइक में इंजन ऑयल, एंड 220 में भी लग रहा है कि इनकी बाइक में इंजन ऑयल कम है, पता नहीं क्या है क्या नहीं यार, बट अपन श्योर है अपन की बाइक में हमेशा सब एवरीथिंग ऑल राइट रहता है। यो ब्रो, मेरे लेफ्ट साइड में कोई एक प्लांट लगा हुआ है जहाँ पर पत्थरों को तोड़ के, ये देखो एक प्लांट है, बहुत बड़ा प्लांट है, जहाँ पर पत्थरों को तोड़ के गिट्टी बनाई जाती है या कुछ बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, गिट्टी दिख रही है बनी हुई तो मुझे लगता है गिट्टी बनाई जाती है जी। ये बीच में एक कस्बा पड़ा है जिसका नाम है जैसलमेर, ये तो रामगढ़, ये रामगढ़ करके जगह है तनोट रोड पे। अब यहाँ सोचते हैं यहाँ पर बोल्ट वोल्ट दिखवा लेंगे एंड चेक करा लेंगे सब कुछ। सो बोल्ट लगवा लिया बाइक में, ऑयल भी चेक करवा लिया, ऑयल वेल पूरा है, डाउट था डाउट क्लियर करवा लिए सारे सारे। टेंशन नहीं है, टेंशन फ्री होकर जा सकते हैं। एक टेंशन लग गई थी कि ऑयल कम है बाइक्स में इनके, एंड बोल्ट भी निकल गया था, कहीं कोई दिक्कत हो जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम नहीं चाहिए हमें। एंड ये लुक एट दैट टावर, कितना बड़ा टावर बनाया है, ये देखो दूर दूर तक ड्रोन्स हैं, दूर दूर तक ड्रोन्स। हाँ 152 थी भाई, देखो उधर अरे यार कुछ लोग अभी पहुंच गए हैं तनोट माता के मंदिर में, मंदिर बिल्कुल जो तनोट जो तनोट जगह है वो माता का मंदिर है वो जस्ट सामने बिल्कुल, आई थिंक यही होगा, आई एम श्योर यही होना चाहिए क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ है। हम लोग पहुंच गए तनोट माता के मंदिर, हमारे सामने तनोट माता का मंदिर है, अब ये मंदिर देखेंगे उसके बाद ड्यून्स में जाने का प्लान है। तो बाइक उधर पार्क कर ली पीछे, हेलमेट सब वहीं रख दिए हैं, बैग भी रख दिए हैं, अब इस मंदिर के अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है, क्या नहीं बोल रहे हैं बोल रहे हैं इसके अंदर बॉम्ब वॉम्ब भी कुछ रखा हुआ है जो युद्ध के टाइम पे चला हुआ था, देखते हैं। सो हमारे जस्ट पीछे तनोट माता का मंदिर है, अंदर जाना शायद कैमरा अलाउ नहीं है, सो हम अंदर शूट भी नहीं करेंगे क्योंकि मना भी किया है कि अंदर का शूट मत करो। सो जस्ट सामने मंदिर है एंड ये मजार बनी हुई है, आई डोंट नो कि ये चीज़ें आमने सामने क्यों हैं, बट जस्ट मजार सामने एंड ये तनोट माता का मंदिर, तो अंदर चल के देखते हैं। सो मंदिर के अंदर आ गए, अगर कोई रोकेगा तो मैं शूट नहीं करूँगा, अगर नहीं रोकता है तो मैं शूट कर दूँगा। पाकिस्तान
पाकिस्तान बॉर्डर देखने का क्या है? टूरिस्ट लोग जाते हैं देखने के लिए, टूरिस्ट के लिए जिसका होता है परमिशन, परमिशन पास ले लो, पास मिलता वो गेट में, तो जाके जा सकते हो। कहाँ से आए हो? हम लोग आए यूपी कानपुर। कानपुर मिल जाएगा गेट वाला बताएगा कहाँ से आपको पास का है। अच्छा गेट, चलिए थैंक यू। सो ये जो अंदर लाइव बॉम्ब थे ये 1971 में जब युद्ध हुआ था तो उसमें आकर गिरे थे, एंड ये आकर पास में गिरे थे और वो फूटे नहीं थे। सो वो बॉम्ब अंदर रखे हुए थे। तब ये मंदिर बहुत छोटा सा था, अभी मंदिर काफ़ी बड़ा बन गया क्योंकि ओबियसली तब छोटा मंदिर था, अभी बड़ा बन गया है। एंड इस मंदिर के लिए फौजियों की आस्था बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर कोई भी हर कोई फौजी यहाँ पर आता है और माथा टेक के जाता है, उनके लिए बहुत बड़ी श्रद्धा है इस मंदिर में। तो हम लोग की मैगी भी आ गई, हम लोग मैगी खाएंगे और फिर ड्यून्स के लिए निकल जाएंगे।